हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर पहुंचे गहलोत का स्वागत करने उमड़े कार्यकर्ता, दावेदारों ने समर्थकों संग गहलोत के स्वागत में लगाए नारे। जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत मंगलवार को दोपहर में वायु मार्ग से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ गहलोत का जोरदार स्वागत किया। यहां शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। इसके साथ ही टिकट के दावेदार भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उन्होंने गहलोत के स्वागत में नारेबाजी भी की। गहलोत के स्वागत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ टिकट के दावेदारों की भीड़ उनके पहुंचने से काफी पहले ही जुटनी शुरू हो गई थी। गहलोत जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो उन्होंने गहलोत और पार्टी के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। गहलोत का स्वागत करने में कार्यकर्ताओं में होड़ सी लग गई। गहलोत ने भी आत्मीयता के साथ वहां आए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का अभिनंदन स्वीकार किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थी। गहलोत यहां शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर चुनावी नब्ज टटोलने पहुंचे हैं। वे यहां दोपहर बाद कायलाना स्थित होटल में शहर के सरदारपुरा, शहर और सूरसागर तीनों विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके बाद दूसरे दिन बुधवार सुबह 10 बजे देहात की लूनी, ओसिया, बिलाड़ा, फलोदी, लोहावट, भोपालगढ़ और शेरगढ़ विस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला अध्यक्ष सईद अंसारी की अध्यक्षता में जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी और राजसिको के पूर्व चेयरमैन सुनील परिहार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न उप समितियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को विधानसभा क्रम के अनुसार मिलवाया जाएगा। देहात जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हीराराम मेघवाल ने बताया कि बुधवार प्रातः 10 बजे से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत देहात जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हीराराम मेघवाल ने बताया कि बुधवार प्रातः 10 बजे से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत देहात कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विधानसभा क्षेत्रवार मिलेंगे। राजस्थान में इस बार जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए लगता है कि एक तरफा जीत होगी कांग्रेस की। प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि जो कुशासन दिया है भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी वसुंधरा जी ने, उसको जनता भूली नहीं है। और जनता ने मन में तय कर रखा है, चाहे कितनी रैलियां कर ले अमित शाह जी, कर ले नरेंद्र मोदी जी, कर ले और कितने नाटक कर ले मुख्यमंत्री जी, इस बार उनके नाटक और लटके झटके चलने वाले नहीं हैं। इस बार जनता तय कर चुकी है, हमें भारी बहुमत से कांग्रेस को विजय बनाना है और विकास का मार्ग प्रशस्त करना है, ये जनता तय कर चुकी है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।